हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास सिक्स एंड चैप्टर नंबर 4.6 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 का, क्लास सिक्स का, हमने वन नंबर समझा तो जो कंप्लीट कर लिया था। अब हम सेकंड नंबर सम की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर सम हमारा देखिए क्या है। सेकंड का ए इज अ एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। सेकंड हमारा है बी। सेकंड का बी इज अ एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। तो इसका ए नंबर हमारा आंसर क्या होगा, इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑल्सो कॉर्ड। तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो ऑल्सो कॉर्ड होता है। ठीक है, इसलिए यस, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। जैसे कि डायमीटर जो साइड में होता है, तो सर्कल जो उसके सर्कल के भी जो डायमीटर होता है उसको हम कोड कहते हैं। जैसे कि हम देखिए सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। जो कोड होता है एवरी कोड सर्कल ऑल्सो डायमीटर होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। अभी सर्कल को मान लीजिए ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड है तो ये तो हमारा डायमीटर नहीं हो सकता, लेकिन अब एक डायमीटर जो सर्कल ऑल्सो कोड हो सकता है। क्यों नहीं, क्योंकि जो ये जो सेंटर है, जो सेंटर से पास होके नहीं जाता है वो हमारा कोड हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा हमारा नो हो जाएगा। ठीक है, नो, एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और कोई भी डाउट हो तो मेरे चैनल पे कमेंट छोड़ दे। बाकी थैंक यू एंड बाय बाय।